जरूर रहो, क्योंकि आप आए थे और आपने रिक्वेस्ट की थी इसके लिए, सो आपका होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए वो अप्लाई कर रहे हैं अभी। जी वो जा रहे हैं नहीं, हजे परमिशन क्लियर होके नहीं आई है, जब परमिशन आ जूगी तब जरूर जाऊंगी। आप इस मौके पे जरूर रहो, क्योंकि आप आए थे और आपने रिक्वेस्ट की थी इसके लिए, सो आपका होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए वो अप्लाई कर रहे हैं अभी। So, तो दिल्ली दे विच ने कहा जा रहा है कि वो ऐसे ही परमिशन दे वास्ते ही गए और परमिशन उन्होंने मिल चुकी है, और की वो जा रहे ने हुण नहीं, हजे परमिशन क्लियर होके नहीं आई है, जब परमिशन आ जूगी तब जरूर जा। मुझे अब लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से रोज इमरान खान जी के वहाँ से फोन आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अब शायद जाएंगे, अगर उनको सीएम साहब के से और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से प्रॉपर परमिशन मिली तो। देखो मैं तो देखो सबसे अच्छी बात तो यही है कि दर्शन जितने सिंपलर किए जाएं और उतना ही बेटर है। हम तो यही चाहेंगे कि फीस बिल्कुल भी ना हो और संगत से तो बिल्कुल ना ली जाए, तो बहुत धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि ये सोचना ही कि संगत को जितना हम कहते हैं ना कि जितना सरल हो दर्शन करने उतना ही अच्छा है। देखो मैं मानती नहीं हूँ कि इसके लिए किसी को इग्नोर करो या वो करो, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है कि कोई तुम्हें इसके लिए क्रेडिट दे या वो करे। तुम्हारे मन में इतनी तसल्ली और इतनी खुशी है, आप देखो पंजाबी तो क्या सारे देश में इतनी खुशी है, विदेशों में इतनी खुशी है कि लांगा खुल रहा है, हमें दर्शन होंगे, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। इसके लिए कोई भी किसी भी लेवल पे कभी भी रिस्पॉन्सिबल होए उतना ही बहुत है। जरूरी बात यह है कि लांगा खुल रहा है और हम लोगों को वहाँ दर्शन देने का, दर्शन लेने का, बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। देखो एलजीपीसी के पास जितना पैसा चढ़ता है अगर गुरुद्वारों में, अगर वो पैसा कहीं अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया होता तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब में हेल्थ और एजुकेशन की कहीं भी कमी होती, बच्चों को बाहर जाना पड़ता, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज खुल जाती इतने पैसे से। तो वो पैसे का मिसयूज ऑब्वियसली सारे लोगों को दिखता है और उसको करना भी चाहिए, रोकना भी चाहिए, एटलीस्ट इसके लिए कि सिखिज्म को फैलाने के लिए जो एसजीपीसी है, और सिख और बाकी बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ाने के लिए, हेल्थ सेवाएं देने के लिए जरूरी है कि वो एसजीपीसी आगे आए। देखो लोगों की सोच, हर इंसान की सोच अलग होती है। हमारा मानना है कि अगर काम में बिजी हो, मैं तो हमेशा कहती हूँ, आप कहते हो पंजाब में जी ड्रग्स बहुत है, हिंदुस्तान में ड्रग्स बहुत है, मैं कहती हूँ जब एक ऑप्शन हो हमारे पास कि हमारे बच्चों के पास काम हो और तो वो कभी भी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो वही बात है कि अगर इसके थ्रू अगर हमारी दोस्ती इस लेवल पे बढ़ती है कि अटारी बॉर्डर खुल जाए, जो मेरा हमारा नेक्स्ट जो है, अगर कोई हमें कहेगा तो आप क्या मांगोगे, तो मैं जरूर मांगूंगी ये कि अटारी बॉर्डर खोल दो ताकि हमारा पंजाब सोने की चिड़िया बन जाए, बिकॉज ये सिल्क रूट है, इंग्लैंड तक हमारी ट्रेड हो सकती है, हमारे बच्चे देश छोड़ के बाहर नहीं भागेंगे और उनको काम मिल जाएगा। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है रादर देन कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, कोई गलत भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ज्यादा जरूरी है कि पंजाब के बच्चों को और लोगों को कारोबार